Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta, Masters in Law from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss legal terms and phrase. So first is article. Article, what do you mean by the term article? कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका कोई भी पैराग्राफ, स्पेशली विल, ठीक है, विल है तो उसमें कोई भी पैराग्राफ है, सेक्शन है. In any writing, you can take example as a will. That is an article. Any paragraph, any section of any writing, जैसे कि will है, articles of incorporation है, कोई भी law है, law के different sections है, that is article. Next is article of impeachment. Article of impeachment means कि जहाँ पे कोई भी चार्जेस लगाए गए हैं पब्लिक ऑफिशियल को इम्पीच करने के लिए. आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल्स ऑफ जहाँ पे आपका बेसिक्स कंपनी का जो है, तो कंपनी की सारी बेसिक्स चीज़ें वहाँ पे होती है, किसी भी कॉर्पोरेशन की बेसिक कि उस कंपनी का नाम क्या है, बेसिक पर्पस क्या है उसका, कितने स्टॉक्स वगैरह, एवरीथिंग इज मेंशन, दैट इज़ आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इज इट क्लियर? और ये जो आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इट इज़ साइंड बाई दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट एज इज़. वट डू यू मीन बाई एज इज़? एज इज़ क्या है? ये एक डिस्क्रिप्शन है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंडीशन इन अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर बायर एग्रीज टू टेक द प्रॉपर्टी, ठीक है, वेयर बायर एग्रीज टू टेक द प्रॉपर्टी विदाउट द राइट टू कंप्लेन इफ इट इज़ फॉल्टी. बायर के पास राइट है कि ही है रीजनेबल इंस्पेक्शन कर सके, कोई डेफिशिएंसी है, देन ही हैज़ अ चांस टू फाइंड आउट दैट डेफिशिएंसी. दैट इज़ कि इंटेंशनली अगर आप किसी डिफेक्ट को हाइड कर रहे हो, वहाँ पे सेलर विल बी लायबल फॉर फ्रॉड. दिस इज एज इज. नेक्स्ट असॉल्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय असॉल्ट? एवरीबॉडी मस्ट हैव हर्ड द असॉल्ट. देर आर टू टर्म्स, असॉल्ट, एक असॉल्ट एंड बैटरी. जो असॉल्ट है वो है सिर्फ थ्रेट, एक तरह से इट इज़ जस्ट अ थ्रेट, दूसरे को मारने का, डराने का, ठीक है, विद सम डेडली वेपन. जो बैटरी है, व्हाट इज़ बैटरी? ये एक्चुअल बीटिंग है, एक्चुअली आप उसको मार रहे हो. इज इट क्लियर? सो यू आर क्लियर विद असॉल्ट? असॉल्ट इज इट अ सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग? It is both civil wrong and criminal wrong. Is it clear? Assault and battery is also clear. Assesses. Assesses means जहाँ पर आप किसी property को assess करते हो, कोई value आप set करते हो उसकी, उसके property taxes क्यों होंगे, that is assesses. Asset. Next asset. What do you mean by the term asset? चलो एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये एसेट्स क्या है? एसेट, एसेट एक का इसका एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे. एसेट दिस दिस मींस कि जब भी सपोज देयर इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, उसकी मतलब उसके पास क्या एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू क्या है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है, दैट इज़ एसेट. जनरली एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी दैट हैज़ मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूडिंग आर्टिकल्स विद ओनली सेंटिमेंटल वैल्यूज. एसेट्स आर शोन बैलेंस शीट ऑफ बिजनेसेस, इन्वेंट्रीज ऑफ प्रॉपर्ट एस्टेट्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट असाइन. कब किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, इज इट क्लियर? एसाइनी जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, असाइनमेंट अगेन इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी और समटाइम टू अनदर. ये जनरली आपके लॉयर्स यूज़ करते हैं, अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं, बिजनेस पीपल कंपनीज वगैरह में यूज़ होता है असाइनमेंट. असाइनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स. नाउ व्हाट इज़ असाइनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स? सो दिस मेथड, ये जो असाइनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स है, दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड फॉर अ डेटर. डेटर के लिए यूज़ होता है
कि जो भी उसकी पेमेंट शेड्यूल्स है, जिस तरह से भी उसने क्रेडिटर को पे करना है, और ये जो मेथड है ट्रस्टी यूज़ करता है ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, जो डायरेक्टली जिसको डेटर का कुछ इन पोर्शन ऑफ इनकम मिलता है इसके लिए। नेक्स्ट एसोसिएट जस्टिस। एसोसिएट जस्टिस मीन्स सुप्री दिस मेंबर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये मेंबर है ये सुप्रीम कोर्ट का मेंबर होता है, एंड दे सर्व फॉर द लाइफ या फिर वॉलंटरली रिटायरमेंट तक है, या उन्हें किसी भी रीज़न से रिमूव किया गया है, अनटिल देन दे वर्क। नेक्स्ट एसोसिएशन। एसोसिएशन कोई भी आपकी ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ज्वाइन किया है आपने, आइदर इट इज़ फॉर सोशल पर्पस और फॉर एनी बिजनेस पर्पस, या और किसी भी हम इकट्ठे हो रहे हो, दैट इज़ एन एसोसिएशन। इज इट क्लोज? एज्यूम। एज्यूम मीन्स इट मीन्स कि जब आप लाइबिलिटी ले लेते हो, प्रॉमिसरी नोट पे कोई डेट पे करना है उसकी लाइबिलिटी आप ले लेते हो, एंड दिस इज जनरली डन बाय द बायर ऑफ द रियल प्रॉपर्टी, इसलिए दैट इज एज्यूम। एजम्पशन। एज्यूम एजम्पशन वही चीज़ आ गई है, ठीक है, देन इट इज आप यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द डेट। एजम्पशन ऑफ रिस्क। एजम्पशन ऑफ रिस्क मीन्स ये कि आप चांस ले रहे हो, दैट इज़ एजम्पशन ऑफ रिस्क मीन्स टेकिंग अ चांस इन पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन। बहुत गंभीर सिचुएशन है जिसमें आप ये चांस ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो। ये जनरली नेग्लिजेंस केसेस में है जहाँ पे डिफेंडेंट क्लेम करता है, वे डिफेंडेंट क्लेम्स दैट द सिचुएशन वो सो इनहेरेंटली और ऑब्वियसली हैज़र्डियस दैट इंजर्ड प्लेंटिफ शुड हैव नोन देयर वाज डेंजर। इज इट क्लियर? कि आप क्लाइंबिंग अ स्टीप क्लिफ, राइडिंग एन ओल्ड क्राउडेड कार, ये सब क्या हो गया? एजम्पशन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट एश्योर्ड। दिस इज दैट पर्सन और एंटिटी दैट इज इंश्योर्ड। ये जनरली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज होता है। एट विल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? एट विल एम्प्लॉयमेंट दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली इंसर्टेड बाई द एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉई विल वर्क इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज़ दैट द एम्प्लॉई विल वर्क अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर, एंड दिस प्रोविजन इज इंसर्टेड बाई द एम्प्लॉयर्स टू अवॉइड द टर्मिनेशन ऑफ एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कोविनेंट ऑफ गुड फेथ एक्सेट्रा। नेक्स्ट अटैच्ड। अटैच्ड व्हाट डू यू मीन बाय अटैच? कुछ फिक्स है एक दूसरे के साथ। दो बिल्डिंग्स को हम रेफर कर रहे हैं जो एक साथ कनेक्टेड हैं, इज इट ने? या आप किसी मनी को रेफर कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो जो कि कोर्ट ऑर्डर में लिया था, दैट इज़ अटैच्ड। अटैचमेंट। दिस इज़ गिवन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये क्या है कि कभी कोई आपका केस पेंडिंग पड़ा है कोर्ट में कि इट इज़ रिलेटेड विद सर्टन प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या है कि कोर्ट एक ऑर्डर दे देता है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दो। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है कि वो प्रॉपर्टी किसी, जिसकी प्रॉपर्टी है वो किसी और ज्यूरिसडिक्शन में ना ट्रांसफ़र कर दे, अपनी सेल ना कर दे, वॉट एवर, फॉर दिस पर्पज कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि प्रॉपर्टी को अटैच कर दीजिए। अटैम्प्ट। अटैम्प्ट मीन्स कि आप यहाँ पे कोई क्राइम, आप काम करने की कोशिश करते हो बट यू आर नॉट सक्सेसफुल इन दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्राइम कमिट करना चाहते हो, मर्डर कमिट करना चाहते हो, लेकिन आपने सारी तैयारी कर ली है, उसकी प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है, आपने सपोज यू वांट टू मर्डर सम पर्सन बाय गन शू फायरिंग से करनी है, तो उसमें आपने गोली भी चलाई है लेकिन वो किसी और के या हवा में चल गई है, यू हैव अटेम्प्टेड टू डू मर्डर। अटेस्ट। यूजुअली क्या है, अटेस्ट में आप किसी डॉक्यूमेंट को कंफर्म कर रहे हो, ठीक है, आप उसको अटेस्ट करवा रहे हो
अपने फॉर्म्स, अब तो क्या है कि ऑनलाइन हो गए हैं सारे फॉर्म्स, पहले जैसे था तो उस टाइम पे फॉर्म्स हम फिल करते थे, वो अटेस्ट करवाने पड़ते थे। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कह रहे हैं कि यार टेस्ट करवाओ, तो दैट इज़ अटेस्ट, सिग्नेचर्स जनरली साइनिंग अ डॉक्यूमेंट। उसमें क्या दो विटनेस सही होते हैं जनरली, दैट विल वॉज साइन एंड डिक्लेयर अटेस्टेशन। अटेस्टेशन वही विटनेसिंग अ सिग्नेचर, एक्ट ऑफ विटनेसिंग अ सिग्नेचर, कि कौन किसने सिग्नेचर साइन करा के। अटॉर्नी, अटॉर्नी मीन्स कि एनी वन हु इज़ एक्टिंग, एनी एजेंट और सम वन हु इज़ ऑथराइज टू एक्ट फॉर अनदर, अटॉर्नी एट लॉ। ये एक अटॉर्नी एट लॉ वही है कि फैंसियर भी है कि लॉयर को आप अटॉर्नी कह देते हो। अटॉर्नी जनरल लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल मीन्स लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी केसेस आएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा। अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड, दिस मीन्स कि जो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कोर्ट में अपीयर होता है, दैट इज़ अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड। वो लॉयर तब तक रहता है जब तक कोई और उसको सब्सटीट्यूट ना कर दे, और अटॉर्नी सब्सटीट्यूट ना करे। इज इट क्लियर? अटॉर्नी इज एडवर्टाइजिंग, यही है कि कई बार कमर्शियल्स हैं उस पर टीवी पे अपनी एडवर्टाइज कर देते अपने आप को, या येलो पेजेस या टेलीफोन बुक के वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं। अटॉर्नी फी, अटॉर्नी फी मींस कि जो उनकी लॉयर्स की लीगल पे फी होती है उनके सर्विसेज के लिए, वो सेवरल फॉर्म्स में हो सकती है। मे बी आवरली चार्जेस भी हो सकते हैं, फ्लैट फी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर सर्विस भी हो सकता है, कॉन्टिंजेंट फी भी, स्टैचुटरी फी भी हो सकती है उनकी, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन टाइम्स किस तरह से उनकी फी होगी। देन अटॉर्नीज वर्क प्रोडक्ट, अटॉर्नीज वर्क प्रोडक्ट मीन्स कि उनका कोई भी रिटन मटीरियल है, देन दे हैव एनी चार्ज नोट्स हैं कन्वर्जेशन इन्वेस्टिगेशन के, या एनी अदर मटीरियल्स डायरेक्टेड टूवर्ड प्रिपरेशन ऑफ केस और अदर लीगल रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? उनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि दे कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस इन कोर्ट और अदरवाइज रिवील टू दी अदर साइड। कई बार क्या है कि देर इज अ क्वेश्चन एज टू वेदर अ डॉक्यूमेंट वॉज प्रिपेयर बाई अटॉर्नी और द क्लाइंट फॉर द यूज इन द केस प्रिपरेशन, और आर डॉक्यूमेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट एंड लेजिटिमेट एविडेंस। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज योर अटॉर्नीज वर्क प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट, अटॉर्नीज क्लाइंट प्रिविलेज, अटॉर्नीज क्लाइंट प्रिविलेज मीन्स नाउ इट इज दैट कि जो अटॉर्नी है आपका, जो लॉयर है, ठीक है, जो भी आपके और आपके लॉयर के बीच में जो भी कम्युनिकेट हुआ है, वो अटॉर्नी की ड्यूटी बनती है कि ही विल नॉट रिवील टू एनीवन। जो भी कॉन्वर्जेशन हुई है, एनी लेटर्स थ्रू फोन्स, जो भी आपके बीच में और आपके लॉयर के बीच में बात हुई है, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। इज इट क्लियर? कि वो किसी को भी नहीं करेगा, बिकॉज अटॉर्नी और क्लाइंट, क्लाइंट का जो रिलेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन फिड्यूशियल रिलेशनशिप, दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सपोज इफ अ मैन टेल्स हिज नेबर हु हैपन्स टू बी एन अटॉर्नी, एक आदमी अपने नेबर को जो कि अटॉर्नी है, दैट ही एम्बेजल्ड फंड्स, इज ही डूइंग सो वाइल सीकिंग लीगल एडवाइस और जस्ट चैटिंग ओवर द फेंस। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह वो प्रिपेयर करवा रहे हैं, देन तो देर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ अटॉर्नी क्लाइंट, अदरवाइज तो इट इज़ ऑफ नेबर ओनली। इज इट क्लियर? अटॉर्नी इन फैक्ट, अटॉर्नी इन फैक्ट मीन्स समवन स्पेसिफिकली नेम्ड बाय अनदर थ्रू अ रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी टू एक्ट फॉर दैट पर्पज इन द कंडक्ट ऑफ अपॉइंटर्स बिजनेस। इज इट क्लियर? सो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और अटॉर्नी इन फैक्ट कैन कंडक्ट ऑल द बिजनेस और साइन एनी डॉक्यूमेंट, एंड इन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ही और शी कैन ओनली साइन डॉक्यूमेंट्स और एक्ट इन रिलेशन टू स्पेशल आइडेंटिफाइड मैटर्स। क्लियर? अटॉर्नी इन फैक्ट। सो हेयर आई वाइंड अप माई लेक्चर
ऑफ लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस. आई विल कम अगेन इन द अनदर सेशन अगेन लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस. थैंक यू गाइज़.